हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का गुरुकुल क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बीएसएससी जिस तरह से मनमानी कर रही है उससे छात्रों के बीच में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीएसएससी नए नियम लगा रही है, इससे पहले कभी ये कहा ही नहीं गया था कि टाइपिंग के लिए इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग लिया जाएगा, और ये कभी बता ही नहीं गया। और फिर अभी नोटिस निकाला गया है पेपर के माध्यम से कि आपका टाइपिंग इस हिसाब से लिया जाएगा। तो ये बीएससी चाह रही है जितना जैसे जितना हो सके लड़कों को बाहर कर दें और हटा दें उसको, और जो पैसे दिए हैं उसको किसी तरह से भर्ती में उसको रख लें और उनको नौकरी दे दें। तो ये बहुत बड़ी चाल किया जा रहा है बीएससी के द्वारा, जो हम लोग को भी समझना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अगर हम लोग समय रहते एकजुट नहीं हो पाएंगे तो आप सभी का नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, क्योंकि ये जिस तरह से ये तरीका अपना रही है ये किसी ने भी नहीं सोचा है। देख रहे हैं कि 7 साल हो चुका है, फिर भी आज तक बहुत सारे स्टूडेंट अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा ऐसा नियम लगा रही है जिससे कि सभी को अपने हाथों से धोना पड़ जाएगा नौकरी को। तो अभी समय है एकजुट होने का, और सभी यूट्यूबर से भी मैं कह रहा हूँ, और जो भी जहाँ जहाँ छात्र नेता है उन छात्र नेता से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज़ एकजुट होइए, क्योंकि बहुत कम समय है, एकजुट होना ही पड़ेगा। एकजुट होकर एक समय से हम लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे बीएससी सही रूप से भर्ती को संचालित करें। तो इसके लेकर मैं जो दिलीप कुमार हैं छात्र नेता, उनसे भी मैं बात किया हूं, और उनसे भी मैं एक आग्रह किया हूं कि प्लीज़ छात्रों के हित के लिए कम से कम बीएससी के लिए आप एक एकजुट रखिए स्टूडेंट को, और एक संदेश दीजिए, और एक आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आंदोलन के ये सुधरने वाला सिस्टम नहीं है। तो उनके लिए मैं एक बात उनसे बोला हूँ कि आप एक संदेश दीजिए और एक आप लोगों के बीच में कुछ बातें कहें, तो उन्होंने मेरी बात को भी माना है, और बहुत ही जल्द वह मेरे चैनल पर आने वाले हैं और आप सभी को एक संदेश देंगे। एक बड़े आंदोलन की तैयारी किया जा रहा है, क्योंकि वो अभी बिहार दरोगा के लेकर भी एक आंदोलन कर रहे हैं और साथ साथ बीएससी के लेकर भी आंदोलन करने की सोच रहे हैं, और दोनों को कंबाइंड लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी किया जाएगा। तो उसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए, आप जितने भी यूट्यूबर हैं उनका सहयोग चाहिए। जब तक ये सारे लोग मिलकर एक साथ एक ही समय पर अपना बल का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। तो उसके लिए मैं दिलीप जी से बात भी किया हूँ, वो बहुत ही जल्द एक संदेश देंगे आप सभी को इसी चैनल पर। तो संदेश देने का बस यही कारण है कि एकजुट रखना है। मैं कुछ और भी यूट्यूबर से भी बात करूँगा, और कोई एक डेट पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी किया जाए, और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। तो इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम चल पाए। धन्यवाद।